सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन 69वें दिन भी जारी रहा, जहां भूख हड़ताल पर 8वें दिन बैठे श्रमिक विमल कुमार के स्वास्थ्य में हो रही गिरावट को देखते हुए धरना स्थल पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर आंदोलनकारी विमल कुमार को जबरन उठा लिया। इस दौरान अनशनकारियों की नायब तहसीलदार राजीव कुमार वर्मा और कोतवाल के वरिष्ठ उपनिरीक्षक के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की भी होती रही, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने जबरन भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी विमल कुमार को उठा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस के आगे लेटकर सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक आंदोलनकारियों को एम्बुलेंस के आगे से हटाया। वहीं धरना प्रदर्शन में विमल कुमार को उठाए जाने के बाद आंदोलनकारी श्रमिक पुनीत जोशी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज हमारे इस आंदोलन को 69वां दिन है, 69 डेज, और साथ में जो है आज हमारा तीन इन्होंने आंदोलनकारी यहाँ से उठा के इन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिए हैं। आज हमारे चौथे आंदोलनकारी पुनीत जोशी जी हमारे साथ यहाँ पर अभी आमरण अनशन में बैठ गए हैं, और उसके बाद भी अभी तक ये लोग बिल्कुल इन्होंने जागने का काम नहीं किया है। एक्चुअली दुर्भाग्य हमारा है। हमने इस राज्य को जब मांगा था कि हर हाथ में काम होगा और हर लड़का बेरोजगार नहीं रोजगार में होगा, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी रूप से भी वो अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि एक फैक्ट्री, एक बनिया, एक लाला पूरे उत्तराखंड को चला रहा है और पूरे कुमाऊं मंडल को चला रहा है। और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, बड़े ऐसे मन से कह रहा हूँ, बड़े मतलब ये लगा लीजिए कि मेरे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं कि हमने किन परिस्थितियों में इस राज्य को लिया और किस भाव से लिया था। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ का, उत्तराखंड का, कि यहाँ पर एक भी जनप्रतिनिधि इनकी सूद लेने के लिए नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और अब हमारा नया प्लान है